नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। चुनाव पास आते ही राजनीतिक दल अपने विरोधी को घेरना शुरू कर देते हैं, जहां यूपी के मैदान से रोज सपा भाजपा के वार पलटवार की खबरें आती ही रहती है। तो अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने हरदोई में भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने भाजपा के लोगों को डरपोक बताया और बताया कि सपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है और भाजपा के नेताओं को डराने की आहट दी। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव हरदोई पहुंचे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान सरकार भाजपा की सरकार है, अब इसको बदलना पड़ेगा। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा के लोग बहुत डरपोक हैं। एक बार तुम सरकार बना लो, फिर उन्होंने जो भी झूठे मुकदमे कराए हैं वो सब दिखाई नहीं देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि पहले समाजवादी लोग खड़े हो जाते थे तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि पहले भी बेईमान सरकारों को हमने देखा है और ये भी देखा है कि हमने कैसे उन्हें बदल दिया। शिवपाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि तब समाजवादी नारे देते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमान का राज बदल दो, अब बदलना पड़ेगा। अभी तक की सबसे बेईमान सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? यही भाजपा, इसको बदलना पड़ेगा। अब समाजवादियों को बैठना नहीं है। योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए शिवपाल ने कहा कि इस सरकार ने कितने पुल नदियां बनाए, सपा की सरकार में कितने पुल बने थे, कोई नदी बच गई थी जिस पर पुल ना बना हो? सड़कों पर काम हुआ, हर स्तर पर काम हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नारे बहुत दिए हैं, यहाँ तक कि नारा दे दिया कि 9 साल बेमिसाल। हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में एक भी काम गरीब और नौजवानों के लिए किया है तो बताइए, एक भी काम इस बेमिसाल सरकार ने नहीं किया है। वहीं शिवपाल ने सपा कार्यकर्ताओं से आगे कहा कि भाजपा के लोग बहुत डरपोक है। एक बार सरकार बना ली तो भाजपा के लोग, जिन्होंने अभी कितने झूठे मुकदमों में लोगों को जेल भेजने का काम किया है, ये फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। सपा नेता शिवपाल ने बीजेपी की सरकार को डरपोक सरकार बताते हुए अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार बनाने की नसीहत दी और कहा कि एक बार सरकार बना लो, फिर बीजेपी ने जो भी झूठे मुकदमे कराए हैं वो सब दिखाई नहीं देंगे। अब देखना यह है कि शिवपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।